भाई रात बारिश हो गई है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं हुई पर इतनी कम भी नहीं हुई। हमारे ग्राउंड की तैसी तैसी हो गई होगी, अभी भी बादल गरज रहा है, देख रहे हो। सो गाइस मैं अभी रेडी होके ना सुखवीर भाई अपने ना जिनकी गाड़ी का रिव्यू करता आपको मिलवाता हूँ उनसे, उनके साथ में थोड़ा बरेली जा रहा था। इनोवा एसयूवी जी कहता हूँ दी नहीं एक्सयूवी एक्सयूवी 500 झटका लेने हल्का जाए। धीरे धीरे से अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं ना तो गियर का पता नहीं लगता कब ले रही है कब नहीं ले रही है। एकदम से अगर एक्सीलेटर दबाते हैं पुश करते हैं तो झटका सा लेती है हल्का सा। शॉकर वॉकर इसके तो भाई खत्म ही हो गए, बाकी ठीक है। 70 भी चल रही है, इन्होंने ना इसके टायर नए डलवा रखे हैं तो इसलिए टायर की थोड़ी आवाज सी ज्यादा कर रही है, बाकी ठीक है। इंजन की आवाज तो नहीं है ये, टायर एक नंबर बड़े डलवा रखे हैं इन्होंने। ये है भाई रामपुर टू बरेली रोड, NS24 रोड है ये, दिल्ली से जो लखनऊ के लिए जा रहा है। बारिश इधर भी काफी हो रही है, सब जगह पे बारिश ही बारिश है। वो एरिया मुझे लग रहा है बजानिया सूखा। वैसे तो 2 तारीख की बारिश बता रखी थी पर 3 तारीख को ही। भाई साली एक बात है, गाड़ी चाहे पुरानी है चाहे नहीं है, गाड़ी लो ऑटोमेटिक अपनी ऐसी तेजी में बड़े एक हाथ बिल्कुल आराम से रेस्ट पे रहता है। आज जा रहे हैं गाड़ी देखने, गाड़ी लेनी है एसयूवी में स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो देख के आनी मतलब सेकंड हैंड लेनी है, वो फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। बरेली की तरफ जा रहे हैं, जो बरेली वो पड़ता है बाईपास जहाँ से शुरू होता है झुमका चौराहा जो पड़ता है। इससे बड़ा रोड बनेगा जो नया अभी काम चालू होने वाला है ना मेरठ से इलाहाबाद गंगा एक्सप्रेस वे, वो न्यू अलाइनमेंट है, वो बिल्कुल न्यू रोड बनेगा। स्टार्ट हो गया अभी नहीं हुआ है, होगा अभी स्टार्ट, मतलब एक्वायर वगैरह जमीन वगैरह सब हो गया, मुआवजा काफी जगह पे मिल गया है। पर ये चुनाव के चक्कर में है ना, अभी चुनाव होने के बाद फिर वो काम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे लंबा रोड बनेगा 500 किलोमीटर का मेरठ से इलाहाबाद, उसकी हाइट रहेगी कम से कम 6 से 7 मीटर जैसे अपनी उसकी है ना KGB की। भाई अब तो ना ट्रक पे भी देखो पार्किंग सेंसर आ रहे हैं काफी टाइम से, बहुत बढ़िया कर दिया है ट्रक वालों ने ये फीचर्स। देखिए भाई तुम अरे पार्किंग सेंसर मतलब रिवर्स करांगे थे आवाज करूंगी ना गाड़ी, अगर अच्छा। पीछे कोई होगा तो डिटेक्ट करूंगी। अच्छा फिर की पता लग जाऊंगा ड्राइवर नु आगे पीछे कोई हैगा ज्यादा नेड़े। अच्छा इदा गड्डियां च नहीं होता अपने पार्किंग सेंसर, वो देखो लगे 5 लगे बीच साले। एक्चुअली भाई मैं यहां पे आया था गाड़ी देखने, मैं अपनी i20 गाड़ी बेच रहा हूं, दूसरी गाड़ी लेनी मेरे को स्कॉर्पियो, बहुत पैसे लगवा रही है i20 अपनी रखनी भाई। ओह भाई यहां का भाई मौसम देखो बरेली का, कते अंधेरा हो रहा है। एक गाड़ी है गाड़ी i20 SX। अच्छा ये ऊंचा मॉडल है अपनी वाली सी i20 Active। ये है भाई स्कॉर्पियो, आया इलेक्शन तो दिखती हो इसी की है इलेक्शन पे। अच्छा चलो ऑनलाइन तो भाई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव वगैरह ले लिए, गाड़ी में जो है पैसे लगने वाले हैं कम से कम 1 लाख रुपए, चारों सस्पेंशन डलेंगे, क्लच प्लेट होने वाली है, एसी काम नहीं कर रहा, बाकी टायर ठीक है गाड़ी के, ब्रेकों पे काम होगा, इंजन भी ठीक है, गाड़ी ओरिजिनल है पर एक पैसे लगने वाले हैं 1.25 लाख रुपए लगेंगे और मांग है इनकी ज्यादा, 2014 मॉडल है ये VLX और मांग रहे हैं 5.5 लाख रुपए, चार चूर की दें तो भी ठीक है। तो अभी ना महिंद्रा के शोरूम पे आए हैं नई वाली स्कॉर्पियो का रेट पता करने। वाली एजेंसी में ना कमर्शियल व्हीकल भी है साथ में, साथ कार भी है कमर्शियल व्हीकल्स भी, चारों डिस्क कर दिए इसे थार ते भाजी 1 साल की वेटिंग चल रही है। सीटा है सब मिल जाती है, मिलता जाती है अपन तो लेनी नहीं ना फिर चंडीगढ़ जगाड़ पाके सॉफ्ट टॉप है ये, चार्जर भी तो दिखा सकते हैं शोरूम भाई। नई वाले स्कॉर्पियो तो थी नहीं यहाँ पे, फिर हम आगे अभी हम जा रहे हैं दूसरे किसी मतलब डीलर के पास में देख रहे हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का तो वैसे प्लान मेरा कैंसिल ही हो रहा है, एक्सयूवी लेंगे। गाइस गाड़ी तो मिली नहीं कोई, अभी हम आ गए हैं मॉल में कुछ खाने के लिए, भूख लग रही थी बहुत तेज सुबह के आए हुए भाई, 10:30 बजे के घर से निकले हुए थे, 2:09 बजने में 9 मिनट रह गए खाली। तुसी भाजी एरिए सारे मुंडिया की हाइट लै गए, कि 6 तो उपर है ताकि जिल लो भैया
तो गाइस कार की ना बात चल रही है भाई, देखते हैं कौन सी लेंगे। अभी तो स्कॉर्पियो से हमारा प्लान एक्सयूवी पे आ गया है, मतलब एक्सयूवी 500 OP। बाकी अगर अब चेंज ना हो तो, वैसे ना यहाँ पे जो कार यहाँ पे मतलब मिलेगी ना 4 लाख की, वो गाजियाबाद नंबर और नोएडा नंबर मिल जाएगी 3 लाख में। पूरा 1 लाख का डिफरेंट रहता है। पिज्जा खा के फिर चलते हैं। भाई बाहर अंधेरा देखो, और टाइम कितना हुआ है, 2:45 और अंधेरा। घर निकलने की तैयारी भाई, जल्दी से जल्दी से। ये मॉल तो भाई खाली नाम का है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिलती यार। ढंग की कोई चीज़ लेनी हो ना, जैसे अपग्रेड से कोई शूज़ वगैरह या कुछ भी मिलता ही नहीं है बरेली साइड में, वैसे तो खाली नाम का शोरूम है ये। बाटा से लेना शूज़ ऑनलाइन ही देखूंगा यार। बारिश देखो कितनी तेज हो रही है, बड़ा सीसा बाज करता यार। बरेली में तो पूरा अंधेरा हो गया था, और यहाँ देखो कितना अच्छा है मौसम, बिल्कुल चिट्टा चानना हो गया है। अभी हम रुके हैं यहाँ पे टोल पे, रामपुर पहुँचते पहुँचते भाई धूप में चक्के हुए हैं। ये टेरिस ने उठा रखे भाई ने, ड्राइवर ने, फिर भी भाई देखो कैसे कैसे लहरा रहे हैं, खुल भी सकते हैं। सिंगल जुट्टा भाई देख लो, है इतना प्रेशर होता है। अच्छा इसका प्रेशर कितना होता है अगर ये निकल जाए यहाँ से? 220 मतलब कितने बंदे पार कर देगी? 15 गोली फेल है। अच्छा 15 की मतलब गोली पिस्टल की, इसमें इसके सामने कुछ नहीं है, है? ये नहीं मजाक नहीं भाई, हम भी ओहो भाई इतना प्रेशर होता है सीएनजी का, मतलब 368 दिया पाई बस, इससे ज्यादा नहीं आएगी इसमें प्रेशर कम है, मतलब 15 बंदे मार देंगे प्रेशर कम है। 368 रुपए की आई है मात्र कैसे, अभी प्रेशर कम है इसका तो ये हाल है, अब प्रेशर ज्यादा हो तो पता नहीं क्या हाल होगा भाई। ये प्रेशर घट है ता ये हाल है, प्रेशर देख ले ज्यादा हो तो फिर, तो प्रेशर ज्यादा हो तो फिर की करोगी? अपने हमारे टैंक में भाई बिल्कुल गैस नहीं थी, तब भी 368 रुपए की गैस आई है सीएनजी, और प्रेशर था 140, और भी आ सकती थी पर प्रेशर की वजह है भाई। बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की काम है भाई। अभी तो गैस जब आप डलवाते सारी फैमिली को बाहर निकाल देते हैं, नोजल वो निकल जाए और आगे को आपकी इधर शीशे में पड़ जाए या कोई सवाल, शीशा तो तोड़ देंगे वो तो, वो अपनी सिक्योर मतलब अपनी सेफ्टी के लिए उनके प्रिकॉशन है उस पेट्रोल पंप वालों के, तो प्रिकॉशन से गाड़ी के सारे जितने पैसेंजर सब बाहर होने चाहिए, मतलब ये सेफ्टी है उनको, मतलब ये बोलना ही पड़ेगा और निकालना ही पड़ेगा वो सारे पैसेंजर से बाहर, क्योंकि उनके लिए सेफ्टी प्रिकॉशन है वो यूज करने पड़ेंगे। कितना प्रेशर है, पेट्रोल डलाते हैं वो उसको लेडीज को बाहर खड़ा करते हैं ना, आग लगाने आग लगाने वाली चीज को बाहर छोड़ के आए तो ऐसी सीएनजी में अच्छा, मतलब अगर पेट्रोल डलवाएंगे तो लेडीज को बाहर निकालना पड़ेगा? नहीं पेट्रोल लेडीज डलवाते, लेडीज बाहर खड़ी होती है, जेंट्स अंदर पेट्रोल डलवाने जाते हैं, आग लगाने वाली चीज उसमें आग लगती है और इसमें नोजल है भाई इसको मजाक में लेना, ऐसा कोई हमारा इंटेंशन नहीं है इसको कहने का। अभी हम भाई रामपुर पहुंच चुके हैं, रामपुर का सीएनजी पंप था। अभी रामपुर से हम एक आध गाड़ी कोई देखेंगे यहाँ पे खड़ी होगी तो फिर हम जाएंगे सीधा घर। ओके मेजार अब्दुल राफे खान द्वार बाबे निजात। भाई मैं घर पे आ चुका हूँ चेंज कर दूँ, तो गाइस घर आके भाई चेंज कर लिया है और अब है सोने की तैयारी। और भाई आपके पास या किसी भाई के नज़र में कोई गाड़ी हो ना XUV 500 तो कमेंट करके जरूर बताना, मतलब वही 14 से ऊपर मॉडल हो, 14, 15, 16, 17 तक, ठीक है। आज का ब्लॉग इतना ही भाई, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।